ओके ऑल गुड लेट्स गो। तो मैं हमीर और आपका मार्टिन क्लिक पर मैं बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एक और एबी टॉक के नया एपिसोड लेकर। तो आज हम बात करेंगे आईएसएल 5 और आई लीग 12 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आईएसएल 5 के बारे में। तो आईएसएल 5 का लास्ट मैच हुआ था 23 नवंबर को, जो आईएसएल 5 का नंबर 37 मैच था, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पर हुआ और ये मैच बहुत ही ड्रामेटिक मैच था। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने एकदम लास्ट में जाकर मैच पे जीत हासिल कर लिया। केरला ब्लास्टर ने पहले ही एक गोल लगा दिया था उनके तरफ से, पॉपुलर टिंग ने एक गोल लगाया था और उसके बाद नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने 90 मिनट के बाद ही अपना दो गोल लगाकर मैच को जीत लिया। 90 मिनट में एक पेनाल्टी शॉट में ओगबेचे ने गोल लगा दिया। उसके बाद एकदम लास्ट मोमेंट पे लास्ट एडेड 5 मिनट वहां पर था और वो एक मिनट जो था लास्ट मिनट में वहां पर मार्सिया ने दिखा दिया अपना मैजिक और एक गोल लगा दिया किक शॉट से और मैच जीत लिया नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने। बहुत ही ड्रामेटिक मैच था। आपका क्या ख्याल था इस मैच के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसके बाद नेक्स्ट आज मैच हो रहा है 24 नवंबर आईएसएल 5 का नंबर 38 मैच मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एटीके। मुंबई के मुंबई फुटबॉल एरिना पर मैच स्टार्ट हो गया है शाम 7:30 बजे से ही और शायद अभी तक तो रिजल्ट भी आ चुका होगा, मैं आपको कल रिजल्ट बता दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों 25 नवंबर आईएसएल 5 का नंबर 39 मैच जमशेदपुर एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। तो दोस्तों मैच होगा जमशेदपुर एफसी के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन पे हॉटस्टार और जियो टीवी पर देख सकते हो और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और इसके बाद चले और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला न्यूज है एटीके से जुड़े। तो दोस्तों जैसा कि एटीके ने आज ही कंफर्म कर दिया अपना न्यू स्ट्राइकर जो ऑस्ट्रेलिया से आया है एली बबल, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था और वो अभी कंफर्म हो चुका है एटीके टीम में और उनके जगह कालू उचे को स्क्वाड से बाहर रखा गया है अभी, क्योंकि उनका इंजरी बहुत ही सीरियस है इसीलिए उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। टोटल 7 ही विदेशी खिलाड़ी अपने स्क्वाड में शामिल कर सकता है एक टीम, तो इसके चलते कालू उचे उनकी टीम से अभी बाहर रखा गया है और उनके जगह साइन कर लिया गया है एली बबल्स को। और अल्फारो तो पहले से ही स्क्वाड में घुस गया है, यानी कि उनको अभी बाहर नहीं करेगा क्योंकि कालू उचे के आगे उनका इंजरी ठीक हो जाएगा और वो बहुत जल्दी ही टीम को ज्वाइन करने वाला है। कल में एक दो न्यूज़ देखकर मैं आपको बताऊंगा कि अल्फारो के इंजरी का क्या हाल है, आपको अपडेट कल में दे दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों जमशेदपुर एफसी से जुड़े। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जमशेदपुर में है टाटा फुटबॉल एकेडमी और टाटा फुटबॉल एकेडमी ने एथलेटिको मद्रिद से अपना पार्टनरशिप साइन कर लिया है। अब दोनों मिलकर काम करेगा टाटा फुटबॉल एकेडमी में। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत ही हाई क्वालिटी का अब ट्रेनिंग मिलने वाला है सभी खिलाड़ी को। जो यंग खिलाड़ी वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है टाटा फुटबॉल एकेडमी द्वारा, मुझे लग रहा है। आपका क्या राय है आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए इस बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों एफसी पुणे सिटी से जुड़े। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि इयान ह्यूम एंटर कर चुका है आईएसएल 5 में। एफसी पुणे सिटी का जो लास्ट मैच था वहां पर इयान ह्यूम खेला और अपना डेब्यू भी कर लिया आईएसएल 5 में और न्यू टीम के तरफ से। तो दोस्तों आप चलिए इसके ऊपर आगे नजर रहेगा कि किस तरह से इयान ह्यूम बाकी सीजन परफॉर्मेंस करता है और एफसी पुणे सिटी को कितना अच्छी तरीके से ऊपर ले जा सकता है। आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और चलिए मैं आपको एक बार पॉइंट टेबल दिखा देता हूँ आईएसएल 5 का, अभी तक क्या हाल है पॉइंट टेबल में आप लोग एक बार देख लीजिए। तो कुछ इस तरह का ही हाल है अभी तक आईएसएल 5 के पॉइंट टेबल में। आप चलिए बात कर लेते हैं आई लीग 12 के बारे में। तो आई लीग 12 का लास्ट मैच हुआ 23 नवंबर, आई लीग 12 का जो नंबर 24 मैच था शिलांग लाजोंग एफसी वर्सेस मिनर्वा पंजाब एफसी। मैच ड्रॉ हो गया था, शिलांग लाजोंग ने लगाया था दो गोल और मिनर्वा पंजाब ने भी लगा दिया था दो गोल और मैच ड्रॉ हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट आज मैच हुआ, आज दो दो मैच था 24 नवंबर, एक था दोपहर 2 बजे और एक था शाम 5 बजे। दोपहर 2 बजे मैच हुआ आई लीग 12 का नंबर 25 मैच था आईजोल एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। आईजोल एफसी ने इस मैच पे जीत हासिल कर लिया, टोटल 3 गोल लगाया था आईजोल एफसी और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल ने सिर्फ 2 गोल लगा पाया था और मैच हार गया ईस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट शाम 5 बजे जो मैच हुआ आई लीग 12 का नंबर 26 मैच था चेन्नई सिटी एफसी वर्सेस नरका एफसी और इस मैच में चेन्नई सिटी ने जीत हासिल कर लिया। चेन्नई सिटी ने 2 गोल लगाया था, नरका एफसी ने सिर्फ 1 गोल लगा पाया था और नरका एफसी मैच हार गया। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा कल, यानी कि 25 नवंबर कल दो दो मैच होने वाला है, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम 5 बजे। दोपहर 2 बजे मैच होगा रियल कश्मीर एफसी वर्सेस इंडियन एरोज और दूसरा मैच होगा शाम 5 बजे मोहन बगान वर्सेस चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। तो जरूर मैच को देख लेना, मैच आपको देखने को मिलेगा हॉटस्टार पर, जीटीवी पर ऑनलाइन में और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स 3 पर। और अभी चलिए मैं आपको एक बार पॉइंट टेबल दिखा देता हूं कि किस तरह का हाल है अभी आई लीग 12 के पॉइंट टेबल में, आप लोग एक बार देख लीजिए।
तो कुछ इस तरह का ही हाल है अभी अलीक बारा के पॉइंट टीवी में। और दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है, हमने एक और नया चैनल खोल दिया है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आपको ISL का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अभी ISL 5 से जुड़े जितना भी वीडियो मुझे यहाँ वहाँ से मिलेगा मैं उस चैनल पर आपको अपलोड करके दिखा दूंगा, तो आप ज़रूर उस चैनल को भी विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। और चाहो तो आप कम्युनिटी टैब में एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर मैच से जुड़े, तो आप ज़रूर वहाँ पर भी जाकर चैनल को विजिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ पर ISL का वीडियो मिलता रहेगा, ओरिजिनल वीडियो, एकदम ओरिजिनल वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा ISL से जुड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले। ISL 5 से जुड़े, ISL से जुड़े, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।